नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर भी होगी, काम की बात भी होगी, मौसम का हाल भी होगा, ये सब कुछ होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले पंजाब से जुड़ी खबर। निजी केबल ऑपरेटर की तरफ से पंजाब में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ जनता का आक्रोश आज सड़क पर देखा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। जी पंजाब हरियाणा चैनल के ब्लैकआउट होने के विरोध में लुधियाना में फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने निजी केबल ऑपरेटर के ऑफिस का घेराव किया। पुलिस ने लोगों की आवाज दबाने के लिए भांजी लाठियां। ये भीड़ सच की आवाज के साथ खड़ी है। ये गुस्सा सच की आवाज को दबाने की कोशिश के खिलाफ है। ये प्रदर्शन है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को पंजाब में ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ। ये तस्वीरें लुधियाना की हैं, जहां पर बैंस बंधुओं की अगुवाई में आम लोगों ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को निजी केबल ऑपरेटर की तरफ से ब्लैकआउट किए जाने के खिलाफ काली पट्टियां बांधकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सुबह 10 बजे के करीब बैंस बंधु सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर बैंस अपने समर्थकों और बड़ी गिनती में आम लोगों के साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल चैनल को फिर से केबल पर शुरू किए जाने की मांग को लेकर फिरोजपुर रोड पर पहुंचे। मैं बेनती करना चाहना कि चैनल असी काली पट्टी इस करके बनी है कि तुसी साडा मुंह बंद करवाने का यत्न करते हो। आ पट्टी बनने तो बाद भी आ मुंह सच बोलता रहूगा। यहाँ पर निजी केबल ऑपरेटर के दफ्तर के बाहर पहले तो बड़ी गिनती में पुलिस तैनात कर दी गई थी। बड़ी गिनती में लोग शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। आम लोग जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दफ्तर की तरफ लोगों को बढ़ने से रोका। लेकिन बैंस बंधुओं की अगुवाई में प्रदर्शनकारी दफ्तर के आगे पार्किंग तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस बीच पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आरोप है कि भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने सिमरजीत सिंह बैंस और उनके बेटे और कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। लाठी चार्ज में 20 से 25 लोग जख्मी हुए, जिसमें 10 से 12 महिलाएं शामिल थीं। आरोप है कि पुलिस ने पत्रकारों को भी निशाना बनाया और उन पर लाठी चार्ज किया, जिसमें कई पत्रकार घायल हो गए, उनके कैमरे तोड़े गए। इसके बाद गुस्साए पत्रकार केबल ऑपरेटर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस की तरफ से कोई पत्थर नहीं बरसाए गए, उस तरफ से दूसरी तरफ से पत्थर आए हैं, तो हल्का फिर लाठी चार्ज हुआ और कोई खास बात नहीं। पुलिस बेशक हल्के लाठी चार्ज की बात कह रही हो, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और सच की आवाज को बुलंद करने के लिए शांतिमय तरीके के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिसिया कहर लोकतंत्र में कितना जायज है। लाठी चार्ज का शिकार हुए पत्रकारों ने पुलिस की कारगुजारी के खिलाफ निजी केबल ऑपरेटर के ऑफिस के बाहर रोष प्रदर्शन किया। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, लुधियाना। और सड़क ही नहीं, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने का मुद्दा देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी गूंजा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को एक निजी केबल ऑपरेटर की तरफ से ब्लैकआउट करने का मुद्दा आज संसद में गूंजा। कांग्रेस के सांसद संतोष चौधरी ने इस मसले पर केंद्र सरकार के दखल की मांग की। पंजाब के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश का मसला संसद में गूंजा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट करने का मुद्दा कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी ने उठाया और निजी केबल ऑपरेटर की मनमानी का जिक्र किया। जी पंजाबी हरियाणा हिमाचल एक चैनल चल रहा है पंजाब में, ये जो एक निष्पक्ष चैनल है, तो ये जो फास्ट वे नेटवर्क है, इसने इस चैनल को ब्लैकआउट कर दिया। मैडम, उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से दखल देने की मांग की। कहना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब में प्रेस एमरजेंसी प्रवेल हो गई है। मैं भारत सरकार को और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मंत्री है, मंत्रालय है,
उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो ऐसे दमनकारी फैसले हैं उनको बंद किया जाए, दखल दिया जाए। वहीं अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा का कहना है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट करने के पीछे कोई विशेष वजह हो सकती है, लेकिन सूबे की सरकार कभी भी प्रेस की आजादी के खिलाफ नहीं रही। इत्थे तक किसी विशेष चैनल नूं बंद करने दा सवाल आ, किसी गल करके वो कोई खास कारण हो सकते ने। सरकार जिहड़ी पंजाब दी सरदार बादल दी सरकार, वो किसी भी कीमत ते किसी प्रेस नूं भावें उन्हां दे हक च होवे भावें विरोध च होवे, ये सवाल नहीं किसी तरह भी उन्हें रोक नहीं सकती ना रोक। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को लोग उसकी निष्पक्षता की वजह से प्यार करते हैं और चैनल सच के हक में हमेशा लड़ता रहेगा। वहीं श्रोमणी अकाली दल के सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरे ने कहा कि सूबे की सरकार हमेशा ही प्रेस की आजादी के समर्थन में रही है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया। तमाम राजनीतिक दलों ने भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के ब्लैकआउट किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। राजनेताओं ने इसे मीडिया की आजादी का हनन बताया। अकाली दल की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने के फैसले को गलत ठहराते हुए फैसला वापस लेने की सलाह दी है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट करने के निजी केबल ऑपरेटर के फैसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक ने भी एतराज जताया है। बीजेपी सांसद के मुताबिक उन्हें चैनल को ब्लैकआउट करने की कोई वजह नजर नहीं आती। उन्होंने निजी केबल ऑपरेटर को मशवरा दिया कि इस तरह के कदम को वापस लेकर फैसले को दुरुस्त करें। मीडिया जेड़ा है वो संविधान का तीसरा स्तंभ है और ये ड्यूटी है कि सच्चाई दे नाल लोगों नूं अवगत कराए, सो उदे लई पूरी आजादी मिलनी चाहिए। मैं समझना वा कि ठीक स्टेप नहीं है, जब वो बिल्कुल पैटर्न ते चल रहा है तो आई एम नॉट कन्विंस्ड वाई कि क्यों बंद होया। मैं तो यही कहूंगा अथॉरिटीज नूं और एडमिनिस्ट्रेशन नूं फास्ट वे दूं कि जी पंजाबी नूं बिल्कुल स्पेस मिले। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी निजी केबल ऑपरेटर की उस कोशिश की कड़ी निंदा की है जिसके तहत सच का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। जी पंजाबी खास तौर पे लोगों ने मुरे रखदा सी, ई चैनल एक बहुत लोगों का चहेता चैनल आ ते लोग जी नूं मैं समझदा दिन रात उते भरोसा करदे आ भी जो जी चैनल ने कही आ गल ओह सच आ ते ओह लोगों नूं जिहड़ी लोगों की सच्चाई नूं दबण की कोशिश की आ इहदा जवाब आ लोग तुसीं आउण वाले नूं देखोगे भी मूँह तोड़ जवाब आ जिहड़ा सड़कां ते भी देणगे। आम लोगों से लेकर अलग अलग सियासी दल के नेताओं ने साफ कर दिया कि सच को जिंदा रखने की लड़ाई में वो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ खड़े हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को ब्लैकआउट किए जाने के निजी केबल ऑपरेटर के कदम को जनता और सियासी दल अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल चीन दौरे पर हैं। अपने चीन दौरे के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने चाइना के सबसे बड़े ब्राइट मिल्क प्लांट का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के चीन दौरे से खेती में नई तकनीक और इंडस्ट्री में निवेश की उम्मीद बढ़ गई है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल चीन की मदद से सूबे की खेती बाड़ी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में हैं। शंघाई एग्रीकल्चर कमीशन कृषि तकनीक और फसल डाइवर्सिफिकेशन के मुद्दे पर पंजाब के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गया है। इसके तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ सूबे के किसानों को चाइनीज वेजिटेबल्स की खेती के लिए प्रेरित करना शामिल होगा। इसके अलावा सरदार सुखबीर सिंह बादल ने चाइना के सबसे बड़े ब्राइट मिल्क प्लांट का भी दौरा किया, साथ ही चीन की साइकिल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। पंजाब के उप मुख्यमंत्री के चीन दौरे से कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन की इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी पंजाब में निवेश की संभावनाओं से उत्साहित हैं। शंघाई एग्रीकल्चर कमीशन ने भी पंजाब में निवेश के स्कोप की सराहना की है। चीन की शंघाई के एग्रीकल्चर कमीशन के साथ साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी पंजाब में निवेश का स्वागत किया है। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए, इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जी मीडिया संवाददाता नेहा शर्मा की रिपोर्ट देखिए। एमएसपी के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि वो सूरजमुखी और मक्की की फसल की खरीदारी क्यों नहीं कर रहे, और ऐसा अगर नहीं करना है तो क्यों ना फसल खरीदने वाली सारी एजेंसी के ऊपर ताला लगा दिया जाए।
पंजाब सरकार को एमएसपी के मुद्दे पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से फटकार सहनी पड़ी। एमएसपी पर सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि प्रदेश में सूरजमुखी और मक्की की फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदनी है तो फसल खरीदने वाली एजेंसी पर ताला क्यों नहीं लगा दिया जाता। और पंजाब गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये रहा कि हम कुछ नहीं खरीदने वाले, ना हम सनफ्लावर खरीदेंगे ना हम मक्की खरीदेंगे। और कोर्ट ने ये बोला कि जब सरकार आपको कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि लॉस हम देंगे, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने कुछ भी नहीं करना फिर आप अपने मार्क फंड और दूसरे डिपार्टमेंट को बंद क्यों नहीं कर देते, ताला क्यों नहीं लगा देते। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी पूछा कि फसलों की खरीद का वो पूरा एमएसपी देंगे या फिर 25%। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम तो ये खरीद रहे हैं, तो हमने ये बताया कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट को तो ये कहा था कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने एक चिट्ठी निकाल दी कि हम सिर्फ 25% ही खरीदेंगे। और उन्होंने पूरा नहीं, ना बाजरा खरीदा और ना सनफ्लावर पूरा खरीदा। और कोर्ट ने आज ये भी डायरेक्शन दी है हरियाणा सरकार को कि आप बताओ कि आप पूरा खरीद रहे हो या 25% खरीद रहे हो। मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी और 20 मई को पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से साफ कहा कि अगली सुनवाई में वो अपनी फाइनल बात रखे। फसल की खरीद और एमएसपी के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है और इससे किसानों की उम्मीदें जरूर जग गई हैं। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। जाट समुदाय के खिलाफ स्वर निकालने वाले बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने आज लोकतंत्र सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों का ऐलान किया। सैनी ने अपनी इस पूरी कवायद को मिशन 2019 का नाम दिया। लोकतंत्र सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि उनकी नजर मिशन 2019 पर है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के नेतृत्व में लोकतंत्र सुरक्षा मंच की बैठक हुई। इस दौरान सैनी ने मंच के पदाधिकारियों की घोषणा की, साथ ही जता दिया कि नजर 2019 पर टिकी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मौजूदा समय में वो सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर पिछड़े वर्ग के हक के खिलाफ गए तो फिर मंच 2019 के हिसाब से फैसला लेगा। ये मिशन 2019 है, जैसा जनता चाहेगी वैसा ये मिशन काम करेगा। हम आज किसी के साथ हैं, अगर वो हमारे हकों की सुरक्षा करेंगे तो हम साथ खड़ेंगे, लेकिन जो आज हमारे साथ हुआ, अगर इसी प्रकार का बर्ताव हमारे साथ हुआ तो ये अपने दम का भी काम कर सकते हैं। इस मौके पर भी सैनी जाटों को कोसना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि गैर जाट मुख्यमंत्री को जाट समुदाय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार प्रदेश की राजनीति हाथों में, कुछ चंद हाथों में किडनैप है, जाति विशेष के लोग पांच पांच बार मुख्यमंत्री बनने के पश्चात भी एक अदर दूसरी कम्युनिटी के मुख्यमंत्री को हजम नहीं कर पा रहे। इस मंच के जरिए राजकुमार सैनी उन्हें जवाब देना चाहते हैं जो जाट आंदोलन के दौरान हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद विरोधियों पर गरजते हुए अपनी ही पार्टी पर इशारों ही इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। साथ ही हुड्डा ने INLD पर निशाना साधा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस मामले पर अपने ऊपर लगे आरोपों को भी निराधार बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फरवरी में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का जिम्मेदार सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के सांसदों को ठहराया है। उन्होंने सुदीप कलकल के मसले पर भी अपना पक्ष रखा। पूर्व सीएम ने कहा कि सुदीप कलकल नहीं बल्कि कैप्टन अभिमन्यु उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मेरी कुलदीप कलकल से कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अभिमन्यु से। अब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा जांच करा दी जाए, क्यों नहीं कराते ये? इसका मतलब दाल में काला है, नहीं तो आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज से फौरन करवाए। पूर्व सीएम ने AJL के मसले पर भी इनेलो और सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार से कहा है कि एक बार में ही बदले की कार्रवाई को अंजाम दे दें।
वो विपक्ष के जो नेता है, लोगों ने तो विपक्ष के नेता बनाया था उसको, लेकिन विपक्ष जो इनके मुख्य सहयोगी दल के नेता हैं उनके पत्र पे ये किया। मेरा इनसे सरकार से आग्रह है, जितने भी हैं बदले लेने के, जितने भी आपके हैं वो कट्ठाई क्यों नहीं कर देते। इस मौके पर पूर्व सीएम हुड्डा ने कुछ अन्य जमीन आवंटन मामलों की जांच कराने की भी मांग कर डाली। इसल जमीन आवंटन मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे विभाग को नुकसान हुआ हो। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। रोहतांग पास पर टैक्सी कारोबारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोहतांग पास पर हर रोज 800 पेट्रोल और 400 डीजल टैक्सियों को चलाने की परमिशन देती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। एनजीटी ने कुछ शर्तों के साथ रोहतांग में टैक्सी चालकों और सहायक गतिविधियों से जुड़े लोगों को राहत दे दी है। रोहतांग पास को लेकर एनजीटी का ताजा फैसला राहत लेकर आया है। इस बार ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हर रोज 800 पेट्रोल और 400 डीजल टैक्सियों को रोहतांग पास पर जाने की अनुमति दे दी है। इससे बड़ी राहत साहसिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों को मिली है। एनजीटी ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके तहत पैराग्लाइडिंग, एटीवी, स्नो स्कूटर, स्नो ड्रेस, लोकल ड्रेस, फोटोग्राफी और प्रदूषण रहित गतिविधियों को चलाया जा सकता है। ये गतिविधियां ज्यादातर बाहंग, सोलंग वैली, गुलाबा, मढ़ी, सागुफाल पर चलाई जाती हैं। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने रोहतांग पास पर 30 इको फ्रेंडली शौचालय बनाने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि एनजीटी चाहता है कि रोहतांग पास पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि प्रदूषण की समस्या से सही मायने में छुटकारा मिल सके। इसके मुताबिक जो है, जो डायरेक्शन दी गई है उसके मुताबिक एक तो जो रिलीफ ये दिया गया है कि टोटल जो है 1200 व्हीकल अलाउ किया गया है, जिसमें 800 पेट्रोल की या 400 डीजल की, एक तो ये किया गया। दूसरा जो लोकल ड्रेसेस है आपके, फोटोग्राफी है, उनको जो है ये जो है इनको भी अलाउ किया गया है। ये आपको बता दें कि एनजीटी के पिछले फैसले को लेकर रोहतांग पास में साहसिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। इसे लेकर सूबे की सियासत भी खूब गरमाई थी। विपक्ष ने सरकार पर सही ढंग से व्यापारियों का पक्ष नहीं रखने का भी आरोप लगाया था। राहत जरूर मिली है, पर एनजीटी ने जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी वाहनों को चलाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मनाली से संदीप सिंह के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया।